पहला क्वेश्चन है जो है स्टडी सेक्शन वन में 100 आंसर क्वेश्चंस कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो इन्होंने दिया है इंडियन कल्चर, है ना। अब इंडियन कल्चर का दायरा जैसे बिहार का था पहले, इंडियन कल्चर है तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ, हालांकि बिहार का कल्चर भी इंडियन कल्चर है, लेकिन पहले के जमाने में जो इसका ब्रेकअप क्या हो रहा था, इस सिलेबस का पहला ब्रेकअप था मॉडर्न इंडिया यानी फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा मॉडर्न बिहार, हम लोग भी अभी पढ़ेंगे इसी दृष्टिकोण से, तीसरा कल्चर। तो कल्चर में यहां का थोड़ा फिक्स क्राइटेरिया रहा है, तो फिक्स क्राइटेरिया में मूलतः जो बात है मूल जो बात है कि इसमें पटना कलम मौर्य कलम और पावट, इसी तीन में से कोई ना कोई हमेशा आता रहा। तो इसमें बड़ा फिक्स है कि एक पर तीन पर दो पढ़ लीजिए, पिछला वाला छोड़ दीजिए, तो दो पढ़ी और एक सवाल फिक्स हो गया। तो सेक्शन वन में तीन सवाल का जवाब देना है तो कला से एक सवाल फिक्स हो गया ही गया। इसके बाद थिंकर्स, इसका एक एरिया थिंकर्स में क्या है, गांधी नेहरू और टैगोर, है ना। गांधी नेहरू टैगोर ये तीन आदमी तो फिक्स आदमी है, लेकिन इन लोगों में कभी कभी हिस्ट्री मारते हैं अंबेडकर, कभी कभी सुभाष बाबू भी मार देते हैं जब टाइम रहता है तो, है ना। सुभाष चंद्र बोस और कभी कभी कोई और भी आ जा सकते हैं, है ना। तो दो तीन आदमी को एक्स्ट्रा में रखिए, लेकिन जैसे फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और स्लाइड से भी। इसके अलावा ट्राइबल रिवेलियन, तो संथाल, मुंडा और कभी कभी कोल, चूंकि 2000 तक झारखंड भी बिहारी था, तो जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो झारखंड भी बिहार के इतिहास के दायरे में आता है ना। तो इसीलिए संभवतः ये लोग लगातार ट्राइबल रिवेलियन से सवाल पूछते हैं। तो इतना एरिया तो स्ट्रेट हो गया कि इतना यूनिट वन में पढ़ना, मॉडर्न इंडिया और इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर करके इतना पढ़वा रहे हैं, ये पहले से फिक्स है। इसके अलावे एक आध सवाल जो इस बार भी जैसे पिछले बार भी आया है ना, भारत बिहार में तकनीकी शिक्षा या इस तरह की शिक्षा का विकास, तो उस तरह का भी एक आध सवाल आते रहता है जो इधर उधर से लोग पूछ देते हैं, है ना। तो वहां भी ये देखना है कि कुछ उस तरह के भी एक आध सवाल बना के रखें। अब हम लोग अगर इसी को पूरे तरीके से देखें, पूरे सिलेबस को, तो अब इसको हम थोड़ा आप लोगों के लिए डिटेल में एनालिसिस कर देते हैं यूनिट वन का। यूनिट वन जो है मूलतः एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो एक सवाल भी नहीं छूटेगा, है ना। जनरली लोग का नहीं छूटता है, लेकिन लिखने का फिर मतलब दूसरा मतलब होता है क्वालिटी ऑफ राइटिंग कितना अच्छा होता है, है ना। क्योंकि आखिर में नंबर जो होता है केवल लिखने से नहीं आता है, जैसे बीएमए में नहीं आदमी कॉपी भर देता है,
तो उस तरह का भी भरने का प्रक्रिया चलता है। लेकिन यहाँ मूल सवाल है कि हम कितने अच्छे से इसको लिखें और उसमें हमारी क्वालिटी क्या हो। अब देखिए, हम जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आपको ब्रीफली बताते चलते हैं। अब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है तो उसका सबसे पहला टॉपिक होता है 1857, है ना, रिवोल्ट कॉजेज इम्पैक्ट एंड नेचर। नॉर्मली नेचर इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया रहता है, जहाँ 1857 की क्रांति की प्रकृति से सवाल आता है। लेकिन इसमें बिहार में कुंवर सिंह के योगदान पर सवाल आता है, है ना। इस पीरियड में जैसे मान लीजिए इस पर हम किताब लिखे रहे, तो एक नया सेक्शन, हम दो नया सेक्शन आपको पढ़ा देंगे कि इसमें अमर सिंह के योगदानों को नजरअंदाज किया जाता है। तो किताब लिखने के क्रम में अमर सिंह के बारे में कुछ पता ज्यादा चला, तो किताब में तो हम लिखे रहे कि हाँ अमर सिंह का योगदान, लेकिन इस आंदोलन में जमींदारों की भूमिका क्या रही। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह भी एक जमींदार थे, लेकिन शेष जमींदारों की भूमिका क्या रही उस पर भी एक ब्रीफ है। तीसरा सेक्शन होता है कि वो भी एक नया ही है कि हाँ अभी का जो दक्षिण बिहार है उस एरिया में 1857 का रिएक्शन कैसा था, है ना, जहाँ वहाँ भी रांची है, सिंहभूम का इलाका है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने 1857 के समय विद्रोह किया था। तो अभी तक, चूंकि हो सकता है कि अगर कोई उस तरह का समझदार क्वेश्चन सेटर आए तो कुंवर सिंह पर बहुत पूछा, अमर सिंह पर पूछ रहे या इनोवेटिव सवाल पूछे, दक्षिण बिहार का योगदान पूछे, 1857 की क्रांति और जमींदारों का योगदान पूछे, तो इस तरह का आस्पेक्ट हम लोग कर लेंगे इसमें। तो 1857 केवल 1857 नहीं, बिहार और 1857 दोनों हो जाता है, है ना। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेप्टिबल थियरी, द मॉडरेट फेज। पिछले क्लास में जो लोग भी पढ़े थे उनको हम पढ़ाए थे इस बात को, और ये 38 नंबर का पहला ही सवाल आया हुआ है पिछले इम्तहान में, है ना। पिछले इम्तहान में डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द अर्ली नेशनलिस्ट। अगर कोई पढ़ा होगा या इसमें भी वीडियो होगा ही जो मेंस का हम पढ़ाए हैं, है ना, उसमें ये पहला टॉपिक ही यही फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 के बाद पढ़ाया जाता है, तो सीधा का सीधा है। हालांकि इस टॉपिक को सब आदमी पढ़ाने का दावा कर सकता है, इसमें कोई जो भी कोचिंग वाला पढ़ाता है दावा कर सकता है कि हम भी पढ़ाए, लेकिन इसमें एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है ना, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे भले वो कारण में पढ़े। अब जो है तीसरा जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, 1905 से जो 1919 का फेज है, इसमें उधर भी देखते चलिए अगर बिहार वाला भी, तो इसमें तीन चार सवाल बहुत पोटेंशियल बनता है। जैसे बंगाल का जो विभाजन है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है ना कोहरेंट फेज नहीं है, जैसे मॉडरेट फेज है कि लगातार कुछ आदमी रहेंगे कुछ काम करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज उस तरह का कोई फेज है नहीं। इसमें 1905 में अगर ये लोग हावी होते हैं तो 7 से 8 में सब आदमी जेल जाके बाहर जाके खत्म हो जाते हैं, फिर 14 में तिलक रिहा होके आते हैं तो वर्ल्ड वॉर हो जाता है, फिर उधर से गांधी जी टहल के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1905 से 1919 तक कंटिन्यूअस एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बहुत कुछ किया हो, है ना। हाँ, लेकिन एक फेज है जहां बदलाव आता है, अंग्रेज भी काउंटर रिएक्शन करते हैं, वो भी 1909 का भारत सरकार अधिनियम लाते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन यूपीएससी में भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आया है, है ना, कि बंगाल का विभाजन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है ना, इट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल इज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन हिस्ट्री, है ना।
तो इस पर सवाल हमेशा आया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बढ़िया से, और इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी एक मुद्दा अलग होता है। बंगाल विभाजन का खैर वो आत्मा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसीलिए वह आंदोलन अंग्रेजों के लिए भी थोड़ा भारी पड़ा था, और भारत में राष्ट्रीयता के उद्भव का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहां से भारत में राष्ट्रवाद उभरा, या आज हम लोग इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं। तो जैसे मेंस में जब आप बिपिन चंद्रा का किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने क्या फैसला किया था कि उसका हर अधिवेशन देश के अलग अलग हिस्सों में होगा, बॉम्बे में हो रहा है तो कलकत्ता में, तो मद्रास में हो रहे। जो थोड़ा मूर्ख टाइप के लोग हैं वो जरूर आलोचना करते हैं कि ये लोग घूमने के लिए लोग करते थे कि हाँ बड़े बड़े लोग थे और दिसंबर का महीना होता था, आज भी दिसंबर खत्म होता है तो लोग जाते हैं घूमने, तो उसी तरह से इन लोगों को तफरी करने का ये मौका होता था। ये बहुत ही हल्का, हास्यास्पद और अस्तरहीन आलोचना है, बेसलेस है। उस जमाने में भारत नाम का कोई चीज ही नहीं था, हर आदमी कोई बंगाली था, कोई बिहारी था, कोई मराठा था, कोई पंजाबी था। देन हाउ द पीपल विल रियलाइज कि हम इंडियन हैं। तो कांग्रेस ने फैसला किया, दो फैसला उसी समय हुआ कि हर अधिवेशन अलग अलग जगह पर होगा। तो अगर कोई कलकत्ता में कर रहा है तो कलकत्ता में उस जमाने में ऐसा नहीं था कि बहुत हाई पीरियड होगा, 200-400 आदमी अधिक से अधिक जुटे, सब आदमी खा रहा है, घरे जा रहे आ रहे हैं, उसको का मतलब है। बट इवन इफ समबडी किसी की सर्टेन पीपल आर देयर, पूछा नहीं क्या हो रहा है, तो बोलेंगे कांग्रेस का मीटिंग हो रहा है, कहला हो रहा है। उस समय तो ये भी बताना था क्यों हो रहा है, तो ऐसा ऐसा बात है। तो सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस विल गो टू द सम पीपल, इवन इट डज नॉट गो टू द मासेस, बट इट विल गो टू सर्टेन पीपल कि भाई कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस अगर बंगाल के लोगों के लिए भी सोचती है, मद्रास में भी सोचती है, इलाहाबाद में भी सोचती है, तो लोग कहेगा ना कि हाँ एक तो ऐसा आदमी है ना जो सबके लिए सोच रहे, तो हम आपके साथ क्यों आएंगे, कोई बाहर का आदमी किसी और के साथ क्यों जुड़ेगा जब उसे लगेगा कि ये भी मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता। ओनली देन ही विल लाइक टू अलाइन विथ यू, अदरवाइज कौन किसको पूछता है। तो कांग्रेस के लिए उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को समझाना कि केरल का हो, कश्मीर का हो, गुजरात का हो, आसाम का हो, कि तुम लोग हम लोग सब आदमी मिलकर एक राष्ट्र की कल्पना करें, हम राष्ट्र पहले समझें। इसीलिए उसका पहला टॉपिक है कि टू नो अबाउट कोलोनियलिज्म। भारत के लोगों को लग रहा था कि हाँ औरंगजेब भी मुगल भी शासन किए और हमारे राजा भी शासन किए, अंग्रेजों आ गया शासन कर। आम आदमी के लिए क्या बेसिक परिवर्तन है, कुछ नहीं, वो कहे कर देना, इनको भी दिया उनको भी दिया, ये भी ले रहे। अब उनको ये समझाना कि नहीं, अंग्रेज जो कर रहा है इट इज समथिंग डिफरेंट। उपनिवेशवाद जब आपको परिभाषा नहीं आता है तो उस जमाने के लोगों को समझाना था कि अंग्रेजों के उपनिवेशवाद का मतलब क्या है। तो पहला था अबाउट कोलोनियलिज्म, तो जब हम जानेंगे तब ना हम अगेंस्ट कोलोनियलिज्म जाएंगे। जब हम किसी चीज को जानेंगे तब ना उसका समर्थन या विरोध करेंगे, आज की तरह तो नहीं जो अंधभक्त सीधे बन जाएंगे, जो करें जय हो, डूब जाओ तो जय हो, मर जाओ तो जय हो। तो फर्स्ट की अबाउट से अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, और प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने सबको लिया। तो इसीलिए गांधी कहते कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं, विचारधारा थी। जो मेन कांग्रेसी है वो सेंट्रलिस्ट है, बीच में है, उसके दाहिने राइटिस्ट है, बाएं लेफ्टिस्ट है, जो एक दूसरे को नहीं देखते हैं वो भी कांग्रेस के मंच को शेयर कर देते। केवल सेंट्रलिस्ट आदमी कहता था कि तू इस साइड में रहो, तू इस साइड में, लेकिन रहो यहीं पर। तो सबको मिलाकर चलना
एक बात था। फिर आया हाँ, तो उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर उसी का एनलमेंट हुआ तो बिहार बना हमारा। अच्छा, उसके बीच में जैसे क्वेश्चन नंबर वन है जो जैसा दिया है, जो सूरत स्प्लिट, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, आप लोग लिखे ले अपना पढ़िएगा, यूपीएससी में तो है ही, लेकिन जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये लोग, तो सूरत स्प्लिट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक होगा। सूरत स्प्लिट का हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस बहुत है। बंगाल के विभाजन ने जो नहीं किया वो कांग्रेसियों ने स्वयं कर दिया, है ना। इसके बाद 1909 का भारत सरकार अधिनियम जो है वह भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी रूप प्रदान करने का अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ा चाल है, कॉन्स्पिरेसी है, जब मुसलमान लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत दे दिया गया कानूनी तौर पर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो लागू होना है, विचारधारा पहले से चल रही थी लेकिन कानूनी रूप पहना दिया गया। और इसी विचारधारा का अंतिम रूप 1947 है जब भारत का विभाजन हुआ। इसके अलावे इस पीरियड में एक फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो पंजाब में विद्रोही लोगों का एक आंदोलन होगा, कामगा तारू जहाज वाला दुर्घटना होगा, और उन लोगों का भी एक सेक्शन आएगा, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में भी हुआ सकता है। फिर 1914 का वर्ल्ड वॉर वन है, तो उससे इसमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। 1915 में गांधी लौट कर आते हैं, 1916 में होम रूल लीग, होम रूल लीग का पोटेंशियल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है, बिग क्वेश्चन के लिए भी, होम रूल लीग आंदोलन। और 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ गड़बड़ियां शुरू होती हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने के क्रम में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के सिद्धांत को माना, बाद में उसका लोग मिसयूज करेंगे। इसके बाद जो है गांधी का जो प्रवेश है उसके आगे पीछे जालियांवाला बाग कांड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग कांड, है ना, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की स्थिति में है। अब सीधे सीधे गांधी का प्रवेश है तो गांधी को थिंकर्स में भी पढ़ना है, और पिछले इम्तिहान में गांधी पर एक सवाल आ चुका है ना, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनल लीडर, पिछले इम्तिहान में सवाल आया हुआ है। तो गांधी जी एवरग्रीन है, आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अगर कोई गांधी जी का समर्थक हुआ तो पूछिए देगा सवाल, कोई उन पर सवाल बहुत सारा होगा, है ना। लेकिन हम लोग क्योंकि हम भी गांधी जी के समर्थक है, इसलिए हम तो गांधी जी पढ़ाएंगे बढ़िया से, तो उनका जो बौद्धिक बैकग्राउंड है, जो उनका फिलोसफी है, जो उनका आधार है ना, वो सबको बढ़िया से जानते रहना चाहिए, नहीं तो इस देश में डिवाइसिव लोग ज्यादा सक्रिय लोग हैं। फिर गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए चंपारण जो अगर इधर भी हम देखते जाएं तो बिहार में भी, तो चंपारण सत्याग्रह जो है, अच्छा चंपारण खेरा अहमदाबाद गांधी का तीन पहला आंदोलन है, तो सबसे फेमस आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है, जहां गांधी ने दिखलाया कि गांधी का मतलब क्या है और गांधी के सिद्धांत का मतलब क्या है,
इसका सबसे प्रैक्टिकल रूप चंपारण में, जब गांधी आते हैं तो उनको धमकाने से लेकर वापस जाने से लेकर मुकदमा तक सब होता है और गांधी नहीं लौटते। गांधी जो दो तीन दिन के लिए आए थे, वह गांधी एक साल से अधिक रह जाते हैं। बीच में आते जाते रहे हैं लेकिन एक साल से अधिक रहते हैं और इस समस्या का फाइनल समाधान करके जाते हैं, है ना। इसलिए चंपारण सत्याग्रह का गांधी के जीवन में काफी महत्व है। बिहार सरकार ने भी 2017 में सेंटेनरी मनाया था गांधी जी का, सालों भर चला था, एक साल चला था, सेलिब्रेट किया है इन लोगों ने, किताब उताब भी छापा है। तो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन और नॉन कोऑपरेशन एवं बिहार, उस पीरियड में बिहार में क्या हुआ, उसके बीच में स्वराज दल है ना, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में स्वराज दल है। चूंकि जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो गांधी फिर जेल चले गए। तो इसी गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने काउंसिल एंट्री के सिद्धांत पर स्वराज दल, कांग्रेस स्वराज दल बनाया। ये कांग्रेस में ब्रेक नहीं था, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी ही हैं लेकिन हम चुनाव लड़ने के लिए एक नया मोर्चा गठित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस यहाँ हालांकि दो विचारधारा में बटी हुई थी, एक को कहा गया नो चेंजर्स और एक को कहा गया प्रो चेंजर्स। नहीं, नरम दल गरम दल यहां नहीं है, वो अब पीछे छूट गया। एक थे नो चेंजर्स जो कह रहे थे कि हम डायरकी के द्वारा, उस समय डायरकी 1919 के अधिनियम में इंट्रोड्यूस हुआ था द्वैत शासन, तो एक गांधी जी कह के गए थे कि गो टू द पीपल, जब कोई असफल हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप खत्म हो गए, आप जनता के पास जाइए और कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाइए, रचनात्मक कार्यक्रम को चलाइए। थोड़ा कठिन काम था कि जो जनता गलिया रही थी गांधी जी को भी और सबको कि भाई कहला आंदोलन वापस कर लिया, और उनके बीच में जाकर फिर काम करना। और गांधी का था हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार। गांधी भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी को नेशनल इशू बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, और गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो मांग पत्र था उसका पहला ही पॉइंट था अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हरिजन उद्धार और हिंदू मुस्लिम एकता गांधी जी का टैगलाइन है, इससे गांधी जी कभी नीचे पीछे नहीं हटे। सत्य अहिंसा सत्याग्रह तो जो है सो है ही, लेकिन उससे गांधी कभी पीछे नहीं हटे। तो लेकिन कांग्रेस के अंदर एक वर्ग था जिसने कहा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है, कार्यकर्ता निराश हैं, जब चुनाव होगा तो कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। आज भी कैसे देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो गांव गांव का पॉलिटिकल कार्यकर्ता कुर्ता धोती निकालकर झाड़ू के पहनता है, कुछ ही आदमी को जो मौका मिलता है बीच बीच में पटना आने का, शेष आदमी तो घर ही बैठ के रहता है जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। जब चुनाव आता है तो नेता पहुंचते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनसे कुछ पैसा वैसा लेता और अपना काम चलाता है, तो उस समय उसका फुल इंगेजमेंट हो जाता है। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो प्रो चेंजर्स थे, उनका कहना था कि चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पार्टी में जो निराशा की भावना है कांग्रेस के अंदर वो फिर से रिवाइव कर जाएंगे, है ना। इस पर बहुत मतभेद हुआ, एक दूसरे के खिलाफ हुए, लेकिन अंत में इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया। बिहार में भी लोग चुनाव लड़े, अनुग्रह बाबू वगैरह चुनकर गए थे, है ना, और स्वराजियों को अच्छी खासी सफलता मिली। उस समय 3-3 साल के लिए चुनाव होता था, है ना, तो 1923 से 1926, फिर 26 से 29, है ना,
तो ये लोग दूसरा बार में श्री कृष्ण सिन्हा भी गए थे चुनकर, और अनुग्रह बाबू उस हाउस में थे जहाँ भगत सिंह बड़ाका फोड़े, हाउस चल रहा था उसी में भगत सिंह ने बड़ाका फोड़ा था, उसको बम कहा गया। तो बम तो नहीं था इसलिए उसमें बच गए थे, लेकिन दूसरे केस में सैंडर्स के मारने में गए बेचारे। तो वो जो उस पीरियड का जो है स्वराजियों का योगदान, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ना। और उस समय 24 में फिर गांधी जेल से रिहा होते हैं, और गांधी उस जमाने में देश का एक्सटेंसिव टूर करते हैं, गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र। उस समय गांधी का उम्र भी कितना था, लेकिन गांधी के चलने का कोई जवाब नहीं था, गांधी के साथ हर आदमी चल नहीं सकता था, वो इतना तेज चलते थे कि शेष आदमी को दौड़ना पड़ता था, है ना। तो बहुत एक्सटेंसिव टूर के इस पीरियड में गांधी, और फिर से गांधी गांधी पूरा देश हो गया। अब गांधी बाबा हो गए इस पीरियड में, गांधी इतना लोकप्रिय होंगे, गांव गांव जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, पहाड़ों में गए, आंध्रा में गए, पहाड़ से लेके मैदान तक, है ना। तो गांधी का कोई मुकाबला ही नहीं था, जितना गांधी ने देश घुमा उस देश में कोई नहीं घुमा पूरे हिस्ट्री में। इसलिए जब तक उस वो जेनरेशन जिंदा रहा वो गांधी को नहीं बोला, है ना। वो मर गया तब लोग इधर कर रहे हैं। तो उनका 24 से 28 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलता है पूरा जमकर। लेकिन उस समय फिर साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन पुनः शॉर्ट नोट्स है, ये फुल क्वेश्चन नहीं होगा। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी बनी, तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना। हालांकि इस समय जिन्ना फार्मूला भी है, जब सरकार ने नेहरू रिपोर्ट नहीं माना तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन रिपोर्ट नहीं माना, तो जिन्ना कहेगी जब एक दूसरे को नहीं माना तो मेरा ही मान लो। तो जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला दिया, 14 पॉइंट फार्मूला दिया, तो लोग बोले कि जब किसी का ना माना है तुम्हारा क्या मनाया। देन इंडिया हेडेड टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद भारत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चला। 1928 में कांग्रेस की बैठक कलकत्ता में हुई, और वहां नेहरू जी बहुत, उस जमाने में नेहरू जी अपने पिता का भी बात नहीं सुन रहे थे। नेहरू जी उस समय, चूंकि लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं, और जो लोग कहते हैं कि गांधी की कृपा से नेहरू राजनीति किए, तो पुनः वो अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोग है ना। नेहरू अपने आप में नेता थे उस जमाने में, भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दो यंग तुर्क कहलाते थे, युवा तुर्क, और दोनों की लीनिंग सोशलिस्ट थी, है ना। तो और नेहरू रिपोर्ट के बदले जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि अभी पूर्ण स्वराज लेंगे। 1927 में मद्रास में भी बैठक हुई, तो वहां तो प्रस्ताव भी पारित करवा दिए थे जल्दी में, तो वहां तो गांधी जी ने रोक दिया। लेकिन 28 में जब साइमन कमीशन वाला सब कुछ हो चुका था, नेहरू रिपोर्ट हो चुका था, तो फिर से अपने बाबूजी के खिलाफ है, बोले कि ना अब पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ ना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं होता है, घोषणाओं पर अमल किए जाने का रास्ता भी पहले सोचना होता है। हम बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, और यहां से लोटा लेके चल दिए माउंट एवरेस्ट, थोड़ा दूर चढ़ेंगे उलट जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए पहले नेपाल में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लीजिएगा, शेरपा लीजिएगा, तब जाके कायाने चढ़ पाइएगा। तो हम यूपीएससी बीपीएससी पास करेंगे और जसपाल गैस पेपर पढ़ेंगे, है ना। तो फिर घर आके रोटी पकाना पड़ेगा, पान बेचना, चाय बेचना पड़ेगा, हालांकि वो भी बढ़िया एक वैकल्पिक रोजगार है। तो गांधी ने कहा कि
डिक्लेरेशंस नीड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन, कि जो आप घोषणा करेंगे उसके लिए एक्शन भी तो लेना होता है ना। कि ऐसे ही अंग्रेज से लड़ते हैं, अंग्रेज कोई हवा रुया मिठाई है। तो वहां हुआ, गांधी कह रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट हमने दिया है, द गवर्नमेंट शुड बी गिवन टाइम। तो इस पर विवाद हुआ, गांधी कह रहे थे कि 2 साल दो, तो नेहरू जी बोले कि मैं 1 ही साल दें। कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों पार्टी में कि 1 साल। तो वहां फैसला हुआ कि अगर अगला दिसंबर 1929 तक सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तब फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज कुछ ना करेगा। गांधी जी का शेड्यूल था यूरोप दौरा का, गांधी जी ने दौरा रद्द किया और पूरे साल गांधी ने पूरे देश को फिर रौंद दी, यह कहते हुए कि आंदोलन के लिए तैयार रहना हो। एंड इन दैट वेरी बैकग्राउंड लाहौर अधिवेशन 1929 का होता है। तो ऐसा नहीं था कि सीधे उठ के चले गए और लाहौर अधिवेशन में बैठ के निर्णय ले लिया, पूरी तैयारी कर ली गई है ना। और तब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग पारित हुआ। गांधी जी ने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखा, नहीं हुआ तब फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार का भी इसमें बढ़िया योगदान रहा है, क्योंकि बिहार भारत के सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर्ड स्टेट में माना जाता है, विशेषकर 1915-16 के आगे, है ना। तो ये हुआ। फिर इसमें गांधी इरविन पैक्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। और ओवरऑल जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इट कुड नॉट अचीव एनीथिंग टेंजिबल या सॉलिड नहीं हुआ, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे जबरदस्त आंदोलन था। महिलाओं की भागीदारी सबसे जबरदस्त 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन में रही, है ना। घर से बाहर निकलना ही आजादी का पहला स्टेप होता है ना। तो महिलाओं के लिए गांधीयन आंदोलन एक लिबरेटिंग आंदोलन, आजाद करने वाला आंदोलन है। गांधी महिलाओं के योगदान को भी बराबर का दर्जा देते थे। इसी में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, उनका रेड शर्ट आर्मी, खुदाई खिदमत गार्ड जो उनका संगठन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ना। इसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू होता है। और इसके तहत 1937 में चुनाव होता है, 11 प्रांतों में चुनाव होता है, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार में होती है। सरकार में जाने के लिए चाहा जाए न जाया जाए, इसके लिए भी विवाद हुआ। बाद में हुआ कि जाओ भाई जाओ, सरकार बनाओ। इस पीरियड में विशेषकर बिहार के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रांतीय शासन के जमाने में बिहार में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य, तो थोड़ा उल्लेखनीय कार्य हुए हैं इस पीरियड में, है ना। क्वेश्चन सब लिखते सुनने से केवल हुआ, सब लिख रहे लोग ना, जो जो क्वेश्चन बताए कि आ सकता है उसको लिखते जाओ, फिर उसको पढ़ना है ना। तो प्रांतीय स्वायत्ता या जो यह सरकार बनी 1937 में, जो 1939 तक चली 28 महीने, इसको 28 महीने की सरकार कहा जाता है। इसमें से एक सवाल आया है कि पहला नंबर की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जीतने के बाद भी सरकार नहीं बनाया, क्योंकि उन लोगों ने गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पर सवाल उठाया।
और जब उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसी कारण बिहार में जैसे इनका मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। इसीलिए जब इम्तिहान में सवाल आए तो पहला प्रीमियर मुख्यमंत्री बिहार के मोहम्मद यूनुस है ना, 1937 में। और उसके बाद चूंकि उनके पास 24 एमएलए थे तो सरकार तो चलना नहीं था, तो बाद में गवर्नर जनरल ने कुछ आश्वासन दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। फिर बीच में सरकार ने 38 में रिजाइन किया 15-16 दिन के लिए। यही इम्तिहान पीडी में सवाल आया हुआ था, क्या जवाब दियो, क्यों रिजाइन किया था? इसमें क्या हुआ था कि जब कांग्रेस जब अभियान होता है तो जेल में बंद लोग कौन थे जो देश की आजादी के लिए लड़े, है ना? तो बिहार में जो देश की आजादी के लिए लोग लड़े तो बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया, तो बिहार सरकार उनको छोड़ सकती थी तो छोड़ दिया। लेकिन अंडमान निकोबार जेल उस समय डिसबैंडेड हुआ था और वहां के कैदियों को रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भेज दिया गया। तो उन कैदियों की जब रिहा करने की बात आई तो केंद्र सरकार ने कहा कि मेरा कैदी है, और जब खतरनाक था तब ना अंडमान गया, अगर वो आदमी समाज में जाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करेगा, बम फोड़ेगा, बंदूक चलाएगा। तो कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा प्रतिष्ठा की बात थी कि अगर अंडमान भी गया तो किसके लिए गया, देश के लिए गया, आजादी की लड़ाई लड़ी। और भारत का आदमी इस तरह के मामलों पर थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, बंदूक बंदूक चला के अगर कोई जेल गया तो हीरो हो जाता है, अपने कहीं चलाओगे बंदूक तो बोले ना ना बगल वाले से चलवा लीजिए। तो इमोशनल हो गया बिहार। अब मुख्यमंत्री को कोई उपाय नहीं था, गवर्नर जनरल और गवर्नर कह रहे थे कि वो कैदी केंद्र सरकार का है इसलिए हम लोग आपको रिहा नहीं करने देंगे, और उन कैदियों के बाहर जाने से विधि व्यवस्था को की समस्या हो सकती है इसलिए नहीं छोड़ने देंगे। ये कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, अब तो बड़ा दिक्कत था। तो अंत में इन्होंने श्री कृष्ण सिन्हा ने भी दिया कि नहीं भाई, उन लोगों ने हमसे मुलाकात करके या हमसे बात हुई है, उन लोग बोले कि बाहर जाके एकदम शरीफ रहेंगे, तनिक भी हिंसा न करेंगे, और हम लोगों की गारंटी। तो फिर नहीं जब मानी सरकार तो श्री कृष्ण सिन्हा की सरकार ने रिजाइन कर दी, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था। जनता कहेगी नहीं कौन चीज हो गया, जनता तो तुरंत आसमान पर चुराते, तुरंत पैरों तले रो देगी। तो होता ना कि अंग्रेज बात ना सुन रहा है, कौन सी कैदी ना छूटा तुम लोगों से, तो इन लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो फिर मामला कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक हो गया, तो फिर से गवर्नर जनरल ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि बिहार के गवर्नर और प्रीमियर, उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रीमियर कहा जाता था, मिलकर इस मुद्दे पर इस मुद्दे को सुलझाएं। फिर सुलझ गया कि हाँ रिलीज करते हैं, तो फिर से इन लोगों ने सरकार में ज्वाइन कर ली। तो यह आया था पीटी में भी इम्तिहान में सवाल, ठीक ना? तो ये हुआ, तो इस पीरियड में ये एक सवाल रहेगा। इसी पीरियड में बिहार भारत में किसान आंदोलन का दौर आता है, कम्युनिस्टों का दौर आता है, सोशलिस्टों का दौर आता है ना। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है, बिहार में किसान आंदोलन और यूपी में भी। एक और सवाल आया था,
यूपी में बाबा रामचंद्र जी जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर थे जो लौट कर आए थे, और बिहार था ना सवाल, वो इंडेंचर्ड लेबर थे लौट कर आए, तो यूपी में किसान आंदोलन के बड़े नेता थे वो, है ना, गिरमिटिया मजदूर जिसको कहा जाता है वही थे वो। पहले नेहरू जी के साथ अच्छा रहा, दोनों का आंदोलन साथ साथ चला था। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये मेंस के मटेरियल है। पीटी में छोटा छोटा आंदोलन किसान नेताओं का बार बार नाम आता है, कभी तो दरभंगा में विद्यानंद जी का नाम आता है, कहीं कहीं है ना, हाँ, तो उस पर भी देखना है। फिर जो क्रिप्स प्रपोजल है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोटेंशियल है, क्रिप्स प्रस्ताव का। फिर अब 1942 है, तो 1942 पर इसमें सवाल आ चुका है अभी पिछले उदाहरण में, कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या है यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। तो यह नेशनल कंटेक्स्ट में है, 1942 में बिहार के लोगों ने भी बड़ा मार धार किया, उस समय बिहारी लोग एकदम जोश में आ चुके थे, है ना, बिहार में थाना पर हमला, पोस्ट ऑफिस पर हमला, रेलवे स्टेशन पर हमला, अंग्रेजों पर हमला, उसमें बिहार या तो टॉप रहा नहीं तो नंबर टू रहा, इस चीज में बिहार के लोग एकदम जोश में थे। फतवा में वो अंग्रेज को खींच खींच के मारे लोग, इतना पीटे पीटे के वहीं पर मार दिया। मुंगेर में भी, पसराहा में ऐसे हुआ, है ना, तो जिस पुलिस के सामने आदमी आंख नहीं उठा रहा था उस पुलिस थाना को लूट लिया, है ना, बहुत सारे थानों को बिहार में लूट लिया गया एक तरह से। कुछ दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन खत्म हो गया, है ना, तो जो सरकारी भवनों पर हमला करने का आज भी ट्रेडिशन है, इसी समय से ज्यादा गंभीर हो गया, है ना, सरकार की सत्ता के प्रति उनके प्रतिष्ठानों पर हमला 1942 में सर्वाधिक हुआ। लेकिन जितना तेजी से चला उतना तेजी से ये दब भी गया। अब उसमें बिहार का योगदान दो चीज में है, एक है आजाद दस्ता और जवाहर जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से निकलकर भागे लोग दिवाली के दिन, नेपाल की तराई में जाके आजाद दस्ते का निर्माण किया, छापामार युद्ध चला, तो इस पर भी फुल क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें एक सियाराम दल भी इस समय चला बिहार के कुछ जिलों में सियाराम सिंह के नेतृत्व में, तो सियाराम दल चला। तो आजाद दस्ता फुल क्वेश्चन हो सकता है, तो सियाराम दल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, इसको अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के रूप में देखा जाता है। है ना, तो ये उसके बाद कैबिनेट मिशन है, और फिर तो आपको आजादी मिल गई। विभाजन पर सवाल थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड का होता है, पढ़ा देंगे, मतलब लिखाएगा नहीं लिखाएगा वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस पर बड़ा बड़ा किताब लिखाया है विभाजन पर, लेकिन जो भाजपा समर्थक है तुरंत उसका आंसर बता देते हैं, लेकिन वो छोड़ देने में ही ज्यादा ठीक है। थिंकर्स में जो है उसमें तीन आदमी है, गांधी, नेहरू, टैगोर। गांधी जी का ज्यादा सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, आदर्श आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का कम्युनिज्म का विकल्प है। अनटचेबिलिटी है, इस पर तुलनात्मक आधा है गांधी जी और अंबेडकर का, दोनों के अप्रोच में अंतर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें फिर तुलनात्मक आता है नेहरू के साथ, नेहरू का आर्थिक विकास का मॉडल और गांधी का, दोनों एक दूसरे से वैचारिक रूप से एकदम अलग थे। लोग कितना कहते हैं कि एक थे
वैचारिक मुद्दों पर गांधी और नेहरू दोनों अलग अलग आदमी थे। जब तक गांधी जिंदा रहे, नेहरू उनके अधिकांश विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी को अपने चेला में विश्वास था। गांधी कहा करते थे कि भले आज वो मेरी बात न समझे और उसको लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो नेहरू वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। तो जब कोई आदमी किसी के बारे में सिलेक्ट करता है, और गांधी ने 1928 में भी, नहीं सॉरी 1929 में भी, जब लाहौर में लोग कहते हैं कि 1947 में क्या हुआ, 1929 में देश भर में 2 या 3 प्रांतों को छोड़कर सभी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए रिकमेंड किया था। और गांधी ने कहा कि देयर इज चेंज इन जनरेशन, नए लोगों को नेतृत्व लेना चाहिए, हम लोगों का समय खत्म हो रहा है नेतृत्व करने का। तो वहां भी 2 या 3 प्रांतों को छोड़कर से सबों ने गांधी के अध्यक्षता का समर्थन किया और गांधी ने नेहरू का किया। तो 1929 में जब गांधी ने नेहरू के अध्यक्षता का समर्थन किया और जो भाषण दिया वो बिपिन चंद्र की किताब में भी है, उतना पूरा नहीं है, तो वहां से भी साफ था कि गांधी की का प्रेफरेंस क्या था। ये 47 का फैसला नहीं था, जो लोग कहते हैं कि अचानक से, तो पढ़ भी नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा घासलेट व्हाट्सएप पढ़िएगा तो फिर कहां से आएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में गांधी के भाषण से साफ था कि गांधी नेहरू में क्या देखते थे। 1934 में ही गांधी ने कह दिया था कि मेरा उत्तराधिकारी नेहरू होगा। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था, है ना, फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस। पीटी वाले लोग याद रखिए हमेशा जीवन, है ना। और जब लोग कह रहे थे तो गांधी कह रहे थे कि मेरे लिए कांग्रेस का अध्यक्ष होना ओवर कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन गांधी जी कह रहे थे हम ही काफी है, मेरा नाम ही काफी है। तो फॉर गांधी बीइंग प्रेसिडेंट और नॉट बीइंग प्रेसिडेंट में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि अंग्रेजों को जब बात करना होगा तो गांधी को ही बुलाएंगे, और कांग्रेस को भी अगर किसी को भेजना होगा तो गांधी जी को ही भेजे, है ना। तो इसलिए वो एक अलग दौर था। तो इसीलिए कुछ बातें जो होती हैं पढ़ाई के बाद समझ में आती है। पिछले इम्तिहान में मॉर्च कला आ चुका है, तो इस इम्तिहान के लिए 68 के लिए पाल और पटना कलम इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में संथाल आ गया है तो मुंडा है, चंपारण शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है तो चंपारण को साइड कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, ये है थिंकर्स लोगों में, तो गांधी नेहरू अंबेडकर, अभी जातीय जनगणना बिहार में हो रही, तो इन सब चीजों पर एक सवाल बनेगा। करंट अफेयर्स में भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, या अनटचेबिलिटी का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि रामायण जो है, और हो सकता है कि हाँ बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान, है ना, रामायण का जो चौपाई है तालका मचाए हुए, तो वो चीज देख रहा है, ठीक है ना। और ट्राइबल रिवेलियन में इतना ही आता है, संथाल मुंडा और वो कोल जोड़ लीजिए, और पटना कलम, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग एक जुड़े रही है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में अरिपन एक आता है, अरिपन पता है,
मिथिला क्षेत्र में तुम लोग आते हैं किसी आदमी का तुम्हारा घर उधर है? कहाँ घर है तुम्हारा? है अब बताओ मधुबनी का नाम डुबा दी ना लड़के ना वो है मधुबनी पेंटिंग जो दीवार पर बनाया जाता है तो एक ही बना बोलोगे दीवार पर की फ्लोर पर हाँ नीचे जो बनाया जाता है वो होता है अरिपन है ना। तो इतना सारा चीज इसमें है तो ये यूनिट वन हुआ। ठीक है ना। तो इसको जो है उसी तरह से हम लोगों को ठीक से पढ़ना। अब जो है आपका जो क्वेश्चन का अब देखिए जो तकनीक है तो उसमें हर क्वेश्चन में हमको लगता है कि ये लोग मतलब क्वेश्चन नंबर दो में विकल्प दिए रहेंगे कि ये चाहे ये है ना। क्वेश्चन नंबर माने तीन दो रहा हाँ तो दो में दो क्वेश्चन रहेगा और कहेगा कि इसको लिखे चाहे इसको लिखे। तो अब जो पहले के जमाने में पांच और छह क्वेश्चन में आपको चॉइस रहता था अब आपको दो ही क्वेश्चन का चॉइस है ना। ये चॉइस जो है मुश्किल करेगा यानी कहेगा कि पढ़ो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर दो है इसमें ए चाहे बी है तो इसी में से ना कोई एक लिखना होगा क्वेश्चन नंबर तीन है फिर ए चाहे बी इसी में से एक लिखना हो और क्वेश्चन नंबर एक तो लिखना है ना। पहले क्या था कि पांच को छह क्वेश्चन है तीन को लिखिए कोई जो मन है वो लिखिए। अब यहां चॉइस लिमिटेड है ना। यूपीएससी में क्या होता है ना कि तीन रहता है तीनों लिखना रहता है तो उसमें नंबर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है बीस है बीसों लिखना है जीएस में। तो अब जो है पढ़ाई को यहां सीरियस बना रहा है ये भी अच्छे हैं कोई खराब बात नहीं है तो इसलिए बढ़िया से पढ़ना है ना। आगे के लिए पढ़ना है तो बिपिन चंद्र भारत का स्वाधीनता संघर्ष है ना फ्रीडम स्ट्रगल जो है और बिहार के लिए बिहार पर पढ़ी कल्चर के लिए अलग अलग है हालांकि हर सेक्शन के लिए तो अधिकांश किताब जो है वो दो एक साथ पीटी के लिए लोग लिखा हुआ है कहीं कहीं मेंस के लिए भी लिखा है तो हल्का फुल्का अपना लीजिए और फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तो है और चीज के लिए ऐसा किताब उस स्टैंडर्ड से नहीं तो उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा। गांधी नेहरू टैगोर पर भी मटेरियल मिल जाएगा क्योंकि ये यूपीएससी में पहले होता था अब नहीं है तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है आप लोग ये बताइए कि जो अभी तो कल भी डेमो होगा लेकिन जब एक क्लास शुरू हो तो संविधान से शुरू होगी मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक। अभी तो नहीं इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे थोड़ा सा भी आपको पढ़ाएंगे।